नॉनस्टॉप एंटरटेनमेंट के लिए सब्सक्राइब करें शिमारू चैनल्स। साक्षी, ये रहा हमारा नया घर। पुराने घर से बहुत बड़ा और बेहतर है। यहाँ पर हमारी जरूरत की हर चीज है। लॉन, मॉड्यूलर किचन और अंदर बाथटब भी है, जिसमें हम हर संडे खेला करेंगे। क्या हुआ, तुम्हें पसंद नहीं आया? हमारी शादी को अभी एक साल भी नहीं हुआ नितिन, और हम 10 घर बदल चुके हैं। और ये जगह कितनी अजीब है, यहाँ आसपास ना कोई घर है, दूर दूर तक कोई मार्केट तक नहीं है। ऐसा लग रहा है किसी जंगल में आके रह रहे हैं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हारी वजह से मुझे हर बार घर बदलना पड़ता है। जहाँ भी जाती हो किसी से बात करना शुरू कर देती हो, पराए इंसान से अपनी दोस्ती कर लेती हो। इसलिए तुम्हें इस बार ऐसी जगह लेकर आया हूँ जहाँ आसपास कोई भी नहीं है। कुछ बोलोगे? पूछ रही हूँ कुछ। देखो साक्षी, मैं प्राइवेट कंपनी में सुपरवाइजर हूँ, तो काम की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता है, और जहाँ कंपनी बोलेगी मुझे वहां जाना पड़ेगा ना। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें शिफ्टिंग के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब से हम यहीं रहेंगे। पराए मर्दों की नजर से तुम्हें दूर रखना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें यहां लेकर आया हूं ताकि मेरे सिवा तुम्हें कोई और ना देख सके। अच्छा, अब मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ, शाम को वापस आऊंगा। कुछ चाहिए होगा तो बता देना। ठीक है, बाय। साक्षी को रेड रोजेस बहुत पसंद है, खुश हो जाएगी ये बुके देखकर। अगर बेल बजाया तो साक्षी को पता चल जाएगा कि मैं आ गया हूँ, फिर ये देख नहीं पाऊंगा कि वो अकेले में क्या कर रही है। और प्रिया का वो वाला प्रैंक याद है, उसने क्या हालत कर दी थी उस लड़की की। जल्दी आ गई। जल्दी नहीं आता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरे ना होते हुए तुम पराए लड़के के साथ हंसी मजाक कर रही थी? कौन था वो? वो तो मेरे कॉलेज के सीनियर थे और मेरे बहुत अच्छे दोस्त। एक्चुअली मैं घर पे बोर हो रही थी तो मैं मार्केट चली गई थी। मार्केट में मुझे वो मिल गया तो मैं उन्हें लेके घर चली आई। क्या जरूरत थी अकेले मार्केट जाने की?
और किसी दूसरे लड़के को घर पे लेके आने की। तुम्हें हो क्या गया नितिन, कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। हटो यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। सॉरी स्वीटहार्ट, मैंने गुस्से में तुम्हें कुछ ज्यादा ही कह दिया। वो एक्चुअली मुझे तुम्हारी हमेशा फिक्र रहती है और आजकल जमाना बहुत खराब है, कोई किसी का नहीं है और किसी पराए लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए। ये तुम्हारे लिए। मुझे पता है जब भी तुम नाराज होती हो तुम ऐसी रोमांटिक चीजों से मानती हो। एक दिन मैं भी अपनी खूबसूरत पत्नी के लिए ऐसा ही शानदार ताजमहल बनवाऊंगा। बस बस, अब ज्यादा शाहजहां बनने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो मुझे बहुत पसंद है। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी। हेलो साक्षी बेटा। इतनी रात को, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा, सब ठीक है। अच्छा सुनो, कल हम लोग तुम्हारे घर आ रहे। तुम्हारी दीदी और जीजा जी वो भी आ रहे। वाओ, कल आप दीदी और अभिषेक जी जो घर आ रहे हैं, ये तो बहुत अच्छी गुड न्यूज है। ओके बेटा, गुड नाइट। गुड नाइट। नितिन तुम्हें पता है कल मम्मी दीदी और अभिषेक जी जो हमारे घर आ रहे हैं। अभिषेक जी जो के आने से तो मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे पूरी रात नींद ही नहीं आने वाली। क्या हुआ, इतने शांत क्यों हो? अच्छा तो फिर चलो फिर से शुरू हो जाते। सॉरी मेरा मन नहीं है। भाई हमने सोचा कुछ दिनों के लिए कोर्ट कचहरी बंद है तो क्यों ना अपने साली साहब के घर ही हो आए। वैसे भी बहुत दिन हो गए थे जीजा को अपनी साली से मिले। क्यों साक्षी, है कि नहीं? मैं तो खुशी के मारे पूरी रात सो ही नहीं पाई जीजू। क्यों नितिन बाबू, आपकी धर्मपत्नी सच बोल रही है ना? हाँ हाँ साक्षी, कल रात से बहुत खुश है। पूरे रास्ते अभिषेक सिर्फ तुम्हारी बातें करते हुआ है, एक मिनट के लिए भी चुप नहीं रहे। बिल्कुल सही कह रही है सीमा,
कभी साक्षी के खाने की तारीफ, तो कभी उसके हाथों से बनी हुई खीर की तारीफ, कभी ये कभी वो। भाई नितिन बाबू, इतनी अच्छी जॉब होते हुए तुमने ये घर शहर से इतनी दूर क्यों लिया? भाई ऑफिस में तुम्हारी कोई इज्जत विज्जत है कि नहीं? हाँ ऐसी बात नहीं है, जॉब ही ऐसी है, कंपनी के काम से इधर उधर शिफ्ट करना पड़ता है। वैसे अगर तुम्हें कंपनी में कोई परेशान करे ना, सीधा मेरे पास आ जाना, भाई टॉप लेवल का वकील हूँ, केस कर दूंगा कंपनी पे। हाँ दो कौड़ी के वकील, अगर मेरी साक्षी का जीजा नहीं होता तो तेरे हाथ पैर काट के कुत्तों को खिला देता। दूर रह मेरी साक्षी से। अरे नितिन बाबू कहाँ सो गए? अरे यार मजाक कर रहा हूं मैं तो। हाँ excuse me, वहाँ बाहर बैठे हैं, पर तुम यहाँ अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ मेरी तबीयत ठीक है। अच्छा साक्षी, तुम्हारे जीजा जी कितने दिन रुकने वाले हैं? कैसी बातें कर रहे हो नितिन, अभी उन्हें आए 2 घंटे भी नहीं हुए और तुम उनके जाने की बात कर रहे हो। नहीं नहीं, मेरा मतलब था कि... मैं समझ गई कि तुम ये सवाल क्यों पूछ रहे हो, क्योंकि अभिषेक जीजू को मजाक करने की बहुत आदत है, लेकिन तुम्हें मजाक पसंद नहीं है इसलिए तुम उनसे घबरा रहे हो ना? ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हारे जीजू से क्यों घबराऊं? साक्षी बेटा, तुम्हारे जीजू बाइक से बाजार जा रहे हैं, जा रहे? हाँ हाँ मम्मी चलते हैं ना। अच्छा मैं आती हूँ। अरे जीजू चलो साक्षी, तुम्हें माथे भुखा के लाता हूँ। हाँ हाँ जरूर चलूंगी। अभिषेक जी, साक्षी तो मेरे साथ हमेशा मार्केट जाती रहती है, आप सीमा दीदी को लेके जाइए ना। अरे नहीं नहीं, मैं तो हमेशा इनके साथ घूमती रहती हूँ, आज जीजू साली को जाने देते। ठीक है साक्षी, कस के पकड़ना, हाँ रास्ता खराब है। लगता है साक्षी का जीजा उसी के लिए यहाँ है। ऊपर से साक्षी का पूरा घर जीजा साली को मिलाने पर लगा है, पर मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। क्या हुआ नितिन, तुम कुछ परेशान लग रहे हो, सब ठीक तो है ना? हाँ सब ठीक है, कुछ प्रेजेंटेशन बनानी है उसी के बारे में सोच रहा हूँ। ओह अच्छा, मैं मम्मी के पास जाके आती हूँ।
अब ये स्पाई कैमरा पूरे घर पे लगा देता हूँ, जिससे मेरी नज़र हर समय तुम पर रहेगी साक्षी। जब तक तुम्हारे जीजा यहाँ है, तुम पर नजर रखनी जरूरी है। साक्षी, इतनी रात को अपने चीजों के कमरे में क्यों जा रही है? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था, पर मैं जानता हूं कि इंतजार का फल मीठा होता है। मेरी बीवी के साथ मेरे घर पे मजे ले रहा है, तुझे तो मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तुम मुझे देख के इतना चौंक क्यों गए? मैं तो मम्मी के कमरे में थी, लेकिन तुम ये हाथ में फूलदान लिए क्या कर रहे हो? वो फूलदान नीचे गिर गया था, तो मैं रखने आया था। और तुम्हारी तरह सेम नाइटी पहन के कोई? अरे हाँ, वो दीदी होंगी। एक्चुअली मेरे पास एक ही तरह की दो नाइटीज थी, तो मैंने एक दीदी को दे दी। वो नाइट ड्रेस लेके नहीं आई थी ना, इसलिए। अच्छा ये सब कुछ छोड़ो, इसे रखो और सॉरी सर, वो दो दिन से घर पर मेहमान आए हुए हैं, तो इसलिए ऑफिस नहीं आ पाया। अगर तुम आधे घंटे के अंदर ऑफिस में रिपोर्ट नहीं किए, तो फिर तुम्हें यहाँ कभी आने की जरूरत नहीं है। घर पर रहकर मेहमान नवाजी करो। नहीं सर, मैं अभी तुरंत आ रहा हूँ। अब बॉस को कैसे बताऊँ कि मैं नमाजी नहीं, अपने चीजा साली पे नजर रख रहा हूँ। क्या करूँ, ऑफिस तो जाना पड़ेगा। तुम्हारी दीदी पिछले एक घंटे से वॉशरूम में नहा रही है, तब तक मैं तुम्हारा वॉशरूम यूज कर लूं? हाँ हाँ जरूर, उस तरफ है। ठीक है। अब क्या हुआ? लगता है आँख में कुछ चला गया। एक सेकंड मैं देखती हूँ। ये बैलेंस शीट स्कैन करके सर को ऑफिस भेज दो। ठीक है सर। ओके सर। अच्छा हुआ घर पर स्पाई कैमरा लगा दिया। अब देखता हूँ जीजा साली के बीच में क्या चल रहा है।
अब कुछ आराम मिला। अच्छा जीजू आप नहा लीजिए, मैं तब तक लंच रेडी करती हूँ। ठीक है। नितिन बेटा, साक्षी के जीजा की शर्ट यहाँ पड़ी है, इसका मतलब दोनों के बीच। क्या हुआ, इतने परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ जल्दी आ गए, तुमने बताया भी नहीं। नितिन, इसे हो क्या गया है? चाहे कुछ भी हो जाए, साक्षी को उसके जीजा से दूर करना ही होगा। शिमला? हाँ शिमला, कंपनी मुझे काम की वजह से शिमला भेज रही है। तुम भी चलोगी तो मजा आएगा। घर पे मेहमान आए हैं और तुम शिमला जाने की बात कर रहे हो? तो क्या हो गया, अपने ही लोग हैं और वैसे भी हम कुछ दिनों में वापस आ जाएंगे। अगर तुम साथ में चलोगी तो मुझे अच्छा लगेगा। चलो बैग पैक करो। बेकार की बातें मत करो नितिन, मैं नहीं आ सकती। अगर तुम्हें जाना है तो तुम अकेले चले जाओ। अरे कहाँ जाने की बात हो रही है? देखिए ना मम्मी, यहाँ आप, दीदी और जीजू आए हैं और नितिन है कि मुझे अपने साथ शिमला ले जाने की बात कर रहे हैं। क्यों, हम लोगों से परेशान हो गए हो नितिन? अरे नहीं मम्मी जी, ऐसा नहीं है। वो कंपनी मुझे शिमला भेजने की बात कर रही है, तो मैंने सोचा कि साक्षी को साथ में ले जाऊं। मैं समझ सकती हूँ तुम्हें साक्षी की चिंता हो रही है ना। तुम है ना बेफिक्र होकर शिमला जाओ, हम सब है ना यहाँ साक्षी का ध्यान रखने के लिए। और फिर उसके जीजू के होते हुए साक्षी यहाँ बोर क्यों होगी? क्यों साक्षी जी? वैसे इतना भी जरूरी नहीं है, मैं ऑफिस में मना कर देता हूँ। अरे ये तो और अच्छी बात है, ठीक है। अच्छा मम्मी, मुझे ना आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। चलिए चलिए चलिए। अगर साक्षी अपने जीजा से दूर नहीं जाएगी तो मैं उसके जीजा को ही दूर भेज देता हूँ। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी।
नितिन? क्या हुआ, मुझे देखकर इतना घबरा क्यों रहे हो? और ये तुम्हारे हाथों में ये पिलो क्यों है? वो मैं अभिषेक जी से मिलने आया था तो देखा ये तो सो गए थे, वो भी बिना तकिया लगाए, तो मैंने सोचा इनके सर के नीचे तकिया लगा देता हूँ, आराम से सोएंगे। अभिषेक को सर्वाइकल है इसलिए डॉक्टर ने तकिया लेने से मना किया है। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ, गुड नाइट। ये साक्षी का पति कुछ अजीब सा लगता है। जीजू, कानपुर वाली प्रॉपर्टी का कोई खरीदार मिला क्या? हाँ, मैंने कुछ लोगों से बात की है और वो लोग प्रॉपर्टी लेने में इंटरेस्टेड भी हैं। यहाँ से जाने के बाद मैं तुम्हें पेपर भिजवा दूंगा। जितनी जल्दी वो प्रॉपर्टी बिक जाएगी उतनी जल्दी मैं यहाँ लखनऊ में अपना घर ले लूंगी। और हाँ जीजू, आप प्लीज नितिन को मत बताइएगा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती हूँ। ठीक है, नहीं बताऊंगा। चलिए अभिषेक जी, आज आपको बाहर लेके चलता हूँ। अरे वाह साडू साहब, हम तो रेडी बैठे हैं, चलो चलते हैं। साक्षी, नितिन की तबीयत तो ठीक है ना? कुछ दिनों से देख रही हूँ, बहुत अजीब लगते हैं। नितिन ऐसे ही हैं दी, कभी खुश रहते हैं तो कभी सीरियस, उनके मूड स्विंग्स होते ही रहते हैं। हेलो साक्षी, अभिषेक जी का एक्सीडेंट हो गया है। क्या, कैसे? जीजू को कुछ हुआ तो नहीं ना? हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ उन्हें। ठीक है, हम अभी पहुँच रहे हैं। क्या हो दीदी? मम्मी, वो जीजू का एक्सीडेंट हो गया है। ये सब कैसे हुआ? अभिषेक कैसे है? पता नहीं दीप, नितिन उसे हॉस्पिटल लेके गए हैं। चलिए ना, हम भी जल्दी से चलते हैं। रास्ते में चलते समय अभिषेक जी का पैर मुड़ गया और सामने से आती कार से उनकी टक्कर हो गई। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, डॉक्टर ने कहा है कि आज शाम तक हम उन्हें घर वापस ले जा सकते हैं, बस उन्हें थोड़े रेस्ट की जरूरत है। तुम चिंता मत करो, ठीक हो जाएंगे। किस्मत अच्छी थी कि तू बच गया, नहीं तो इस समय हॉस्पिटल बेड की जगह अर्थी पर लेटा होता। सीमा, तुम जाओ सामान लेकर आओ, अब मैं यहाँ एक सेकंड नहीं रुकूंगा। जीजू आप भी ना, एक तो आपकी हालत वैसे ही ठीक नहीं है, ऊपर से आप मजाक करना नहीं छोड़ेंगे। साक्षी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुकना चाहता। तो क्या हुआ है, अचानक इस तरह से जाने की बात क्यों कर रहे हैं आप, और वो भी ऐसी हालत में? एक्सीडेंट हुआ है आपका? मम्मी जी, एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट किया गया। नितिन ने जानबूझ के मुझे कार के नीचे धक्का दिया है। क्या अभिषेक जी, आप ये क्या कह रहे हैं, मैं ऐसा क्यों करूंगा? जीजू आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई होगी, भला नितिन ऐसा क्यों करेंगे? देखो साक्षी, अभी मैं कुछ कहने के मूड में नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे घर पे मेहमान बन के आया हूँ और तुम्हारे घर का माहौल बिगाड़ कर चला जाए।
लेकिन एक बात समझ लो, तुम्हारे पति को शक करने की बीमारी है। जिसका कोई इलाज नहीं है। तुम गई नहीं अभी, जाओ सामान लेकर। दीदी वो जीजो आप प्लीज ऐसा मत करिए, जो भी बात है हम लोग आराम से बैठ के बात करते हैं ना। आप प्लीज ऐसे यहाँ से मत जाइए जीजो। मैं मम्मी आप कुछ दिन तक साक्षी के साथ यही रही, ऐसे समय में उसे अपने परिवार की जरूरत है। चलो जीजो वो मम्मी जी एक्सीडेंट हुआ नहीं, एक्सीडेंट किया गया है। नितिन ने जानबूझ के मुझे कार के नीचे धक्का दिया है। तुम्हारे पति को शक करने की बीमारी। वो फूलदान नीचे गिर गया था तो मैं रखने आया था। कमरे में स्पाई कैमरा। नितिन क्या हुआ? तुम अपनी बीवी पर नजर रख रहे थे, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम इस हद तक गिर जाओगे। साक्षी जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, ये सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए था, मुझ पर विश्वास करो। नहीं करना चाहती हूँ मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास। पहले तो मुझे लगता था कि तुम मुझे लेकर पॉसेसिव हो, लेकिन अब मुझे पता चला कि पीठ पीछे तुम मुझ पे जासूसी कर रहे हो। कुछ गलत नहीं किया मैंने, अगर ये सब नहीं करता तो मुझे कैसे पता चलता कि मेरी पीठ पीछे जीजा और साली के बीच में क्या चल रहा है। और तुम्हारे जीजा सही बोल रहे थे, उसे धक्का मैंने दिया था ताकि वो मेरी पत्नी की जिंदगी से दूर चला जाए। जब से तुम्हारे जीजा आए हैं तुम्हारे आगे पीछे लग रहे थे, और तुम भी कुछ कम नहीं, अपने जीजा के सामने मुझे इग्नोर कर रही थी। तुम पर नजर रखने के लिए मैंने ये सारे स्पाई कैम्स इसलिए लगाए थे, और मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका कुछ भी पछतावा नहीं है। मम्मी मुझसे अभी ये सब और बर्दाश्त नहीं होता। नितिन का असली चेहरा देखने के बाद मैं एक पल के लिए भी उसके साथ नहीं रह सकती। आप प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। दूसरों के लिए तुम मुझे छोड़ कर जाओगी, ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, कभी नहीं होने दूंगा। देख बेटा नितिन ने जो भी किया बहुत गलत किया, लेकिन तुम तो समझदार हो ना बच्चा, जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत लेना। भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। नितिन की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ जीजू, प्लीज माफ कर दीजिए। जो हुआ उसे भूल जाओ साक्षी, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा।
अच्छा जीजू, मैंने आपको जो लीगल पेपर्स तैयार करने के लिए दिए थे वो आप कब तक मुझे भेज दोगे? ठीक है, वो पेपर जैसे ही मुझे मिल जाएंगे मैं उन्हें साइन करके आपको वापस कर दूंगी। अब और देर करना ठीक नहीं है। अच्छा जीजू, बाय। माँ, शाम तक लीगल पेपर्स मिल जाएंगे, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। चलो। लीगल डॉक्यूमेंट्स। नितिन का असली चेहरा देखने के बाद मैं एक पल के लिए भी उसके साथ नहीं रह सकती। आप प्लीज मुझे अपने साथ ले चलिए। इसका मतलब साक्षी मुझसे दूर जाने का प्लान बना रही है? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। मैं देखती हूँ। हेलो, मैं योर पार्सल। थैंक यू। क्या है? हाँ, जीजू ने लीगल डॉक्यूमेंट्स भेजे हैं, मैं इन्हें साइन करके उन्हें वापस कर देती हूँ। ठीक है। हेलो साक्षी। हेलो जीजू, आपने जो डॉक्यूमेंट्स भेजे थे वो मुझे मिल गए, मैं इन्हें साइन करके आपको वापस कर देती हूँ। साइन? अरे ये क्या बदतमीजी है नितिन, लाओ पेपर दो मुझे। तुम्हें क्या लगा कि तुम इन पर साइन करके मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़कर गई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। क्या बकवास कर रहे हो तुम? पेपर दे दो बाबू, साक्षी को लौटा दो पेपर। तो चुप कर बुढ़िया, अपनी बेटी को समझाने के बजाय उसका साथ दे रही है। लेकिन मैं ये घर टूटने नहीं दूंगा। तुम्हारी हरकतें देखकर तो मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। लाओ पेपर वापस दो। दो पेपर? अरे दो पेपर्स? पेपर लो, छोड़ो पेपर, लौटा दो मुझे। पागल पर छोड़ो, ले पेपर, लौटा दो मुझे, पेपर लौटा दो मुझे। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। साक्षी, ये क्या हो गया? साक्षी,
अपनी पत्नी और सास को क्यों मारा तुमने? साक्षी, मुझे डाइवोर्स देने की बात कर रही थी, मुझे छोड़ने वाली थी और इसकी माँ इसका साथ दे रही थी, इसलिए मैंने मार दिया। आदमी, वो डिवोर्स पेपर नहीं थे, प्रॉपर्टी के लीगल पेपर थे। साक्षी अपनी कानपुर वाली प्रॉपर्टी बेचकर लखनऊ में घर लेना चाहती थी, वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। अच्छा जीजू, मैंने आपको जो लीगल पेपर्स दिए थे वो आप कब तक मुझे भेज दोगे? कानपुर वाली प्रॉपर्टी के पेपर रेडी हो गए हैं, शाम तक तुम्हें पेपर मिल जाएंगे, तुम जल्दी से साइन करके पेपर भिजवा देना। आप प्लीज मीटिंग को मत बताइएगा, मैं उसे सरप्राइज देना चाहती। साक्षी को पेपर मिलते ही उसने मुझे कॉल किया ताकि वो जान सके कि साइन कहाँ पे करने हैं, इतने में इसने उससे पेपर छीन लिया और छीना जबकि मैं शायद साक्षी का फोन गिर गया और मैंने इन लोगों की सारी बातें सुन ली। अरे ये क्या बदतमीजी है नितिन, लाओ पेपर दो मुझे। तुम्हें क्या लगा कि तुम इन पर साइन करके मुझे छोड़कर चली जाओगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अगर तुम मुझे छोड़कर गई ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। मुझे शक हुआ कि पागल आदमी जरूर कुछ गलत हरकत करेगा, इसलिए मैंने आपको इन्फॉर्म किया। तुम्हारे शक की वजह से आज मेरी माँ और मेरी बहन की जान चली गई। चाकू उठाने से पहले एक बार पूछ तो लेते अपने पति को कि किन पेपर्स में साइन कर रही थी वो, तो शायद मेरी माँ और मेरी बहन आज जिंदा हो। झूठ बोल रहे ये लोग, ये इन्होंने ही साक्षी को भड़काया था मुझसे डिवोर्स लेने के लिए और आज नाटक कर रहे हैं। कशाक और पागलपन तो हवालात में दूर होगा,